गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपटी गद्यांश। आपटी गद्यांश वैसे तो हमने यूटी टू मिड टर्म सब हर टाइम किया है, लेकिन एक बार फिर से हम यूटी थ्री के लिए आपटी गद्यांश को रिवाइज करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक से रिवाइज कर सकते हैं। मेरे पास जो जो है मैं उन सभी के एग्जाम्पल्स ले रही हूँ, बट आप सभी बच्चे भी अपनी बुक से जितने भी आपटी गद्यांश है उनको रिवाइज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपटी गद्यांश कैसे हैं और हमें उन्हें किस प्रकार से हल करना होता है, ठीक है? तो बेटा देखिए, सबसे पहली बात तो एक, कोई भी अनसीन यानी कि जो बिना पढ़ा हुआ हो, ठीक है, आपठित, जिसका जो पढ़ा हुआ ना हो पहले से, तो आपठित होता है वो। तो यानी कि आपको एग्जाम में एक आपटी गद्यांश मिलेगा जिसके अनुरूप आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे उस आपटी गद्यांश से आपको ढूंढ के उत्तर लिखने होंगे, ठीक है? तो आपटी गद्यांश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ बच्चों को हमेशा ये प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार समझाया भी है मैंने, फिर भी स्टिल कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी ना किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है, मैम इस आपटी गद्यांश में शीर्षक क्या है, शीर्षक को कैसे लिखना है। शीर्षक एक क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा आपका, जिसमें आपने जो भी आपटी गद्यांश में पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने उस आपटी गद्यांश में पढ़ा उसको नाम देना होता है, क्या पढ़ा आपने, क्या समझा, क्या है उसके अंदर, ठीक है? तो इस प्रकार से जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक आपटी गद्यांश दिया, उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ, और वो था कपड़ों को लेकर, ठीक है, के वस्त्र किस मतलब ऋतुओं के अनुसार जो वस्त्र हैं वो व्यक्ति किस प्रकार से पहनते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई आपको आपटी गद्यांश मिला तो आप उसको या तो आप ऋतु के अनुसार कुछ भी आप दे सकते हो, जैसे कपड़े हो गया, वस्त्र आभूषण हो गए, ठीक है, या लोगों का पहनावा हो गया, कोई भी आप नाम दोगे उस आपटित गद्यांश को। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आपटित गद्यांश को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है आपटित का अर्थ क्या है। आपटित का अर्थ है जो पहले पढ़ा ना हो, किसी भी गद्यांश या पद्यांश को स्वयं पढ़ना, ठीक है, किसी भी गद्यांश को या पद्यांश को स्वयं पढ़ना और उसे समझने की प्रतिभा का विकास करना। क्या कह रहे हैं, स्वयं पढ़ना और उसे समझने की प्रक्रिया का विकास करना ही उसका लक्ष्य होता है। जो पहले पढ़ाना हो, तो यानी कि गद्यांश हम क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आप बच्चों को एक तो रीडिंग की हैबिट हो, ठीक है, दूसरा उसको समझने की स्वयं आपके अंदर खुद से स्वयं उसको समझने की प्रतिभा का विकास हो। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक अपठित गद्यांश तैयार किया जाता है, ठीक है बच्चे? तो आज सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी गद्यांश या पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना होता है, जिससे सबसे पहले आता है अपठित को कम से कम 2 या 3 बार पढ़े और उसके मूल भाव को समझे। क्या कह रहे हैं ये, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देंगे क्योंकि आप जो गलतियां करते हो वो क्या करते हो, गलतियों में आप गलतियां ये करते हो, आपको लगता है एग्जाम में आएगा हम पढ़ लेंगे, रिवीजन की जरूरत क्या है, इतनी बार एग्जाम में कर लिया बेटा, लेकिन आपको ये जो टॉपिक दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप सभी को रीडिंग की हैबिट बनी रहे। देखिए, आप अठित को कम से कम 2 या 3 बार पढ़े, उसके मूल भाव को समझें, ठीक है, कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है और उसके मूल भाव को समझना है। दूसरी बात, पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर रेखांकित करें। जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़कर संभावित उत्तर, जो आपके अनुसार उत्तर हो सकते हैं, उनको आपको अंडरलाइन करना है। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय सरल सहज भाषा का प्रयोग करें। तो क्या कह रहे हैं, जब प्रश्नों के आप उत्तर लिख रहे हो तो प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आपको सरल सहज भाषा का प्रयोग करना है। सरल होनी चाहिए और सहज भाषा होनी चाहिए, उसी भाषा का आपको प्रयोग करना है। फिर आता है शीर्षक उपयुक्त हो, कम से कम शब्दों का हो और उसका संबंध पूरे आपठित विषय से हो, यानी कि आपको जो शीर्षक देना है, बिल्कुल मैं ये बात आपको बार बार कहती हूँ, कोई भी आपठित गद्यांश हो एक तो शीर्षक उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है, कम से कम शब्दों का होना चाहिए यानी कि लिमिटेड आपको वर्ड्स यूज करने हैं, शीर्षक उपयुक्त हो, कम से कम शब्दों का प्रयोग हो और उसका संबंध पूरे आपठित विषय से हो, पूरा जो अनसीन पैसे आपने पढ़ा उससे रिलेटेड वह होना चाहिए। आपटी गद्यांश सबसे पहले आता है, पहला आपटी गद्यांश क्या है, जल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है, वाटर, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपने सुना होगा जो मनुष्य को चाहिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए,
और रहने के लिए जगह भी चाहिए। ये बुनियादी कुछ आवश्यकताएं हैं जो मनुष्य को सबसे पहले चाहिए होती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। जल भी है मनुष्य को चाहिए पीने के लिए। जल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। जल स्वच्छ जल न मिलने के कारण गांव और शहरों की घनी आबादी में रहने वाले लोग अनेक रोगों के शिकार हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये? तो सबसे पहले स्वच्छ जल न मिलने के कारण गांवों तथा शहरों की घनी आबादी में रहने वाले अनेक लोग, जो आबादी इतनी ज्यादा आबादी है उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उसकी बात कर रहे हैं कि शहरों की घनी आबादी में रहने वाले लोग अनेक रोगों के शिकार हो रहे हैं। दोबारा से देखिए इस लाइन को। गांवों और शहरों की घनी आबादी में रहने वाले लोग अनेक रोगों के शिकार हो रहे हैं। प्रतिवर्ष अनेक लोग जल प्रदूषण से उत्पन्न रोगों के कारण मर रहे हैं। जल प्रदूषण यानी कि गंदा पानी अगर आता है तो गंदे पानी के कारण भी बहुत सारे जो रोग हैं वो उसके कारण मनुष्य मर रहे हैं। जल प्रदूषण से उत्पन्न होने के कारण जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसके कारण जो मनुष्य हैं वो क्या हो रहे हैं, वो मर रहे हैं। प्रतिवर्ष अनेक लोग जल प्रदूषण से उत्पन्न रोगों के कारण मर रहे हैं। गांवों तथा शहरों की गंदी नालियों तथा नालों का पानी नदी में गिरकर उसे दूषित बना रहा है। गांवों तथा शहरों की गंदी नालियों एवं नालों का पानी नदी में गिरकर उसे दूषित बना रहा है, गंदा कर रहा है। ठीक है, नदियों में पालतू जानवरों को नहलाने तथा कपड़े धोने से भी जल प्रदूषित होता है। कारखानों से निकलने वाला कचरा भी नदियों के जल में मिलता है और उसे पीने योग्य नहीं रहने देता। गांवों में पोखरों और जलाशयों में नहाने धोने तथा पशुओं को नहलाने से जल प्रदूषित हो जाता है क्योंकि यह बहता हुआ जल नहीं होता। ठीक है, ये बहता हुआ जल नहीं होता है। तो ये बोल रहे हैं सही के आगे आपको निशान लगाना है, जो अभी हमने पढ़ा है उसके आधार पर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है बेटा, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता क्या है? अभी मैंने बताया था रोटी, मकान, कपड़ा और जल। अभी आपको पता है ये सारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, लेकिन हमें उत्तर में कौन सी लिखनी है? जो हमने अपठित गद्यांश में पढ़ी है। ठीक है, अपठित गद्यांश में हमने पढ़ा है जल। जल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है, तो कौन सा है? जल। दूसरा आएगा नदियों के में पशुओं के नहलाने और कपड़े धोने से क्या हानि होती है? ठीक है, हम देखो दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ। नदियों में पशुओं के नहलाने और कपड़े धोने से क्या हानि होती है? तो क्या हानि होती है? जल प्रदूषण, जल संरक्षण, जल आपदा या बाढ़। तो क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जल प्रदूषण। तीसरा, ये प्रदूषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा है आपसे कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के आगे लग के उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। कहाँ लगते हैं वे? शब्द के आगे। शब्द भी नहीं, मूल शब्द। मूल शब्द होता है बेटा जिसका स्वयं का अर्थ होता है। तो मूल शब्द के आगे जो शब्दांश लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रदूषण में आ गया प्र। क्या है? प्र। ना प्रद है, ना प्रदु है, ना प्रा है, ना प्र है। तो दूषण क्या है? क्या लग गया? प्र। तो ये बन गया प्रदूषण। तो प्रदूषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र। ओके, इसके आगे देखिए अगला प्रश्न है। दूषित, दूषित सबसे कौन, दूषित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है आपको किसमें? दूषित शब्द में प्रत्यय बताना है। मैंने कहा प्रत्यय जैसे दूषित, इत प्रत्यय। ठीक है, जैसे दूषित शब्द है तो कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। ठीक है बेटा, दूषित शब्द में इत प्रत्यय। नेक्स्ट है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जल प्रदूषण, जल आपदा, पशु एक समस्या, रुका हुआ जल। क्या होगा इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक? होगा जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण। तो गद्यांश आपने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने देखा, तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जल प्रदूषण। ओके, अब चलते हैं आगे, आप उठे गद्यांश के भाग दो पे चलते हैं। इसी प्रकार से अब अगला देखिए अपटी गद्यांश। सरल सफलता के मंदिर में जाने के लिए खुला द्वार नहीं है,
सफलता के मंदिर में जाने के लिए कोई खुला द्वार नहीं होता, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सफल होना है तो कोई ऐसा खुला द्वार नहीं मिल जाएगा उसको सफल होने के लिए। दोबारा से पढ़ रही हूँ मैं, सफलता के मंदिर में जाने के लिए कोई खुला द्वार नहीं है, जो इस मंदिर में प्रवेश करना चाहता है वह स्वयं ही अपने लिए द्वार बनाता है। जब वह अंदर प्रवेश कर लेता है तो द्वार स्वयं बंद हो जाता है। जीवन का यह भेद है जिसे सृष्टिकर्ता के सिवाय कोई नहीं जानता। सृष्टिकर्ता अर्थात जिसने सृष्टि को रचा है अर्थात भगवान। कुशाग्र बुद्धि सदा दीनता में उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे हैं? कुशाग्र बुद्धि यानी कि जो तीव्र बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो दीनता में गरीबी में उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के पास अभाव होगा ना किसी चीज का तो वो उसको पूरा करने के लिए कोशिश करेगा। कुशाग्र बुद्धि सदा दीनता में उत्पन्न होती है और उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। संसार का अनुभव यह कहता है कि कुशाग्र बुद्धि वाले भड़कते चमकीले प्रसादों मतलब सामानों में, ठीक है बेटा, एक तो होता है प्रसाद, होता है एक महल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, महल बोलते हैं, प्रसाद भगवान वाला प्रसाद होता है, उसमें अ की मात्रा नहीं होती, ये प्रसादो है यानी कि महल वाला। ये तड़कते भड़कते बहुत बड़े बड़े महलों में या जहां कोई कष्ट ना हो वहां पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। यदि कहीं ऐसा हुआ भी है तो उन्हें ये सारी सुख सुविधाएं त्यागनी पड़ी हैं। बहुत ही सही बात है। मैं अपनी ही आपको अगर बात बता दूं तो चाहे तेज धूप हो, मार्च का अप्रैल का जो भी महीना था या मई का जो भी महीना रहा था, मैं उस समय भी अपनी छत पर जाकर वॉक करते करते पढ़ाई करती थी, सिर्फ इसलिए कि मैं पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके पढ़ सकूं। मुझे बाकी किसी भी चीजों पर ध्यान नहीं देना, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और यह सोचकर मैंने अगर उस समय पढ़ाई ना की होती, ये बात थी जब मैं 7वीं से 8वीं कक्षा में आई थी, और 8वीं कक्षा में मेरे को अपनी पोजीशन फर्स्ट लानी थी और मैं दिन रात उसके लिए मेहनत से स्कूल से आती थी, फ्रेश अप हुआ उसके बाद भी थोड़ा सा खाना पीना, मुश्किल से हाफ एन आवर रेस्ट और फिर मैं पढ़ाई करने लग जाती थी। तो अगर आप अपने आप को इस तरीके से बनाओगे, थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए अपना माइंड, अपने सोचने समझने की क्षमता का सदुपयोग कीजिए। अगर आप उसे खराब करते चले जाओगे तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर व्यक्ति केवल इसी प्रकार से परेशान रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहेगा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा हमेशा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से अगर जूझ रहा है और वह केवल उस समस्या के बारे में सोचता रहे, समाधान के बारे में ना सोचे, तो शायद वह हमेशा समस्या से ही जूझता रहेगा। समस्या को बढ़ाने से अच्छा है समस्या का निवारण ढूंढा जाए, क्योंकि समस्याएं जब खत्म होती है तभी व्यक्ति अपने मस्तिष्क का सदुपयोग कर सकता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तड़कते भड़कते चमकीले प्रसादों में जहां कोई कष्ट ना हो पैदा नहीं होते। यदि कहीं ऐसा हुआ भी है तो उन्हें सारी सुख सुविधाएं त्यागनी पड़ी है। भगवान रामचंद्र और महात्मा बुद्ध का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जितने धर्माचार्य, साहित्यकार, विद्वान, वैज्ञानिक, आविष्कारक, महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तो देखा बच्चों, जितने भी धर्माचार्य हैं, साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, आविष्कारक हैं, सब महान व्यक्ति हुए हैं जी, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तो ये अगर व्यक्ति, कोई भी विद्वान व्यक्ति हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे वैज्ञानिक हो, आप खुद सोचिए, अगर कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं करेगा तो वह आगे कैसे बढ़ेगा। हर व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। हर चीज आपको कभी भी यूं ही नहीं मिल जाएगी, उसके लिए आपको बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। अगर आपकी सोच सही है और आप सही कार्य कर रहे हो तो भगवान भी आपका साथ देता है और आप स्वयं में मजबूत बन जाते हो। तो चलते हैं आगे प्रश्नों के उत्तर पे। सफलता के मंदिर में जाने के लिए द्वार कौन बनाता है? प्रश्न है पहला, सफलता के मंदिर में जाने के लिए द्वार कौन बनाता है? मनुष्य स्वयं, मित्र, साथी, घर के बुजुर्ग।
तो कौन बनाता है सफलता के मंदिर में जाने के लिए द्वार? तो हमने अभी देखा था मनुष्य स्वयं बनाता है, मनुष्य स्वयं उस मंदिर में अगर जाना है उसे तो रास्ता वह स्वयं बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। कुशाग्र बुद्धि वालों के लिए संसार में क्या अनुभव है? वे कष्टों में पैदा होते हैं, वे लड़ते रहते हैं, वे महलों में रहते हैं, वे शांत रहते हैं। कुशाग्र बुद्धि वालों के लिए संसार में क्या अनुभव है? कुशाग्र बुद्धि वालों के लिए संसार में यह अनुभव कहते हैं कि वह तड़कते भड़कते चमकीले प्रसादों में या जहां कोई कष्ट ना हो पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, तो वह कष्टों में पैदा होते हैं, कहाँ होते हैं? कष्टों में पैदा होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जो विशेषण नहीं है उसके बारे में पूछ रहे हैं, कुशाग्र, चमकीले, बुद्धि या सफल। कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? तो विशेषण की बात कर रहे हैं, जो विशेषण नहीं है। विशेषण कौन होते हैं? जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो चमकीले प्रसादों, चमकीले यहाँ पर क्या है? वैसे तो कुशाग्र बुद्धि बुद्धि की विशेषता बताने वाला है, कुशाग्र बुद्धि, चमकीले यहाँ पे बोला है, चमकीले प्रसादों, प्रसाद यानी कि महल हो गया, और चमकीले चमकीले उसका विशेषण, तो इसने बोला है, लेकिन विशेषण नहीं है। या तो कुशाग्र, चमकीले, सफल। अब सफल देखिए शब्द कहाँ पर है, सफल तो देखिए इसमें क्या है, बुद्धि। बुद्धि आपका विशेषण शब्द नहीं है, क्योंकि बुद्धि की विशेषता बताई जा सकती है कि बुद्धि कैसी है, कुशाग्र। तो बुद्धि यहाँ पे विशेष्य है, विशेषण नहीं है। तो कुशाग्र यहाँ पर विशेषण है, चमकीले यहाँ पर विशेषण है, सफल भी आपका विशेषण है, और जो विशेषण नहीं है वह है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि क्या है, विशेष्य। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग का नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो प्रति उपसर्ग का नहीं है? प्रमाण, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, प्रत्येक। तो कौन सा शब्द है बोल रहे हैं जो उपसर्ग का नहीं है? प्रमाण, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन या प्रत्येक। तो प्रति उपसर्ग का नहीं है, प्रति एक, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रमाण। तो प्रत्यक्ष तो फिर भी है, प्रमाण, माण में प्र जोड़ दिया तो प्रमाण, प्रतिदिन भी है, तो प्रमाण आपका ऐसा उपसर्ग है जो प्रति का उपसर्ग नहीं है। ठीक है बेटे, नई नई खोज करने वाला के लिए क्या शब्द आएगा? वैज्ञानिक, सामाजिक, आविष्कारक या विद्या विशारद? विद्या विशारद। दोबारा पढ़ रही हूँ, नई नई खोज करने वाला के लिए क्या शब्द आएगा? वैज्ञानिक, सामाजिक, आविष्कारक, विद्या विशारद। ठीक है, जो नई नई खोज करते हैं, तो वैज्ञानिक नई नई खोज करते हैं, नहीं वो तो वैज्ञानिक है, सामाजिक है, विद्या विशारद है, आविष्कारक जो आविष्कार करते हैं, नई नई खोज करते हैं, खोज करने वालों को हम बोलते हैं आविष्कारक। ओके, तो आप सभी बच्चों को, बेटा सभी बच्चे जितने भी अपठित गद्यांश जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनको आपको रिवाइज करना है। एक बार एक और देख लेते हैं हम, आप अपनी बुक से रिवाइज कीजिए जितने भी हैं, मैंने आपके लिए पर्टिकुलर बुक जो भी है ले लिया, आप कोई भी बुक से रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप पढ़ी गद्यांश कहीं से भी रिवाइज कर सकते हो आप, कहीं से भी। ठीक है, क्योंकि आपको वो लेना है गद्यांश जो आपने पहले ना पढ़ा हुआ हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि जो आपने पहले ना पढ़ा हो, ये नहीं कि बुक खोल के पढ़ने बैठ गए हो, वो नहीं पढ़ना है। जो आपने, हाँ अपनी बुक में आप वो चैप्टर्स पढ़ सकते हो और उसके क्वेश्चन, आप उनके प्रश्नों को हल कर सकते हो जो आपने नहीं पढ़ा है पाठ, लेकिन प्रश्नों के हल करने के लिए यानी कि आपको पाठ स्वयं से समझ में आना चाहिए। ठीक है, और गद्य का केवल हमें अंश लेना है, पूरा पाठ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब आप इनको हल कर रहे होते हो तो वो भी छोटा छोटा आपको समय मिलता है उनको हल करने के लिए। देखिए अपठित गद्यांश तीसरा है, पूरी दुनिया में यह कहावत मशहूर है कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे कोई महिला होती है, लेकिन रूस के लोग इस बात में विश्वास नहीं करते। इसके विपरीत वहां के लोगों की धारणा है शक्तिशाली नेता वही होता है जो अपनी पत्नी को घर की चार दीवारी तक सीमित रखता है। ठीक है, वहां पे रूस में मान्यता है कि अब शक्तिशाली नेता वही है जो, नेता मतलब एक तरीके से जो पूरे उसको चला रहा हो,
ठीक है, परिवार को, लोग, घर को, कुछ भी है जिसको चला रहा हो, मतलब एक शक्तिशाली की बात करें, शक्तिशाली नेता जो अपनी पत्नी को घर की चार दीवारी तक सीमित रखता है और देश का शासन स्वयं अपनी सूझबूझ से चलाता है, स्वयं के सोचने समझने के अनुसार वह शासन करता है, शासन स्वयं अपनी सूझबूझ से चलाता है। राष्ट्रपति गोरबाचोव की पत्नी रायसा के बारे में लोगों की राय यह बन गई थी कि उनके पति उन पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं। दोबारा बात कर रही हूँ, राष्ट्रपति गोरबाचोव की पत्नी रायसा के बारे में लोगों की राय यह बन गई थी कि उनके पति उन पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं और अपना शासन भी उनकी सलाह से ही चलाते हैं। यही कारण था कि राष्ट्रपति के रूप में उनकी लोकप्रियता कम होती चली गई और अंततः उन्हें सत्ता से संन्यास लेना पड़ा। तो बेटा, यह केवल एक अंश मात्र था। जरूरी नहीं है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का ही हाथ हो। व्यक्ति को अगर सफल होना है तो वह स्वयं अपनी कठिन और कड़ी मेहनत के साथ सफल हो सकता है, परंतु निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। अगर बीच में ब्रेक ले लोगे तो सफल नहीं हो पाओगे कि चलो यार 4 दिन पढ़ाई कर ली, अब 2 दिन छोड़ दो। ऐसा ये करोगे तो कभी नहीं सफल हो पाओगे। सफल व्यक्ति सिर्फ वही हो सकता है जो लगातार प्रतिदिन थोड़ा पढ़ो, पर पढ़ना जरूर है, रोज की रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। ओके, रूस के राष्ट्रपति गोरबाचोव के विषय में लोगों की क्या राय थी? वह अपनी पत्नी पर निर्भर थे, वे अपनी पत्नी की बात नहीं मानते थे, वे शासन अपनी मर्जी से करते थे, वे हमेशा पत्नी से लड़ते थे। तो राष्ट्रपति गोरबाचोव के विषय में यह राय थी कि वह अपनी पत्नी पर निर्भर रहते थे, ठीक है, या फिर वे शासन अपनी मर्जी से करते, नहीं लड़ते भी नहीं थे, अपनी पत्नी से नहीं, पत्नी की बात नहीं मानते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला इसका उत्तर सही है कि वह अपनी पत्नी पर निर्भर रहते थे बहुत सारी चीजों के कारण। तो देखिए, निर्भर किसी, अगर हम देखिए, आप खुद सोचिए, अगर ऐसा होता कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह से अगर चले जा रहा है, तो बताइए भगवान किसी को भी मस्तिष्क क्यों देता? हर व्यक्ति के पास उसके स्वयं के सोचने समझने की क्षमता है और हर व्यक्ति की किताब भी अलग है। किताब मतलब जिंदगी। हर व्यक्ति की जिंदगी भी अलग है, हर उस किताब के पन्ने भी अलग है। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी को किसी दूसरे की व्यक्ति की जिंदगी से कंपेयर मत करना, आप उसकी तुलना मत करना। दोनों की जिंदगियां बहुत अलग है, क्योंकि हम कई बार जो उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जो हम उसके लिए सलाह मशविरा लेते हैं, या फिर अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढने के लिए हम वही प्रयोग कर लेते हैं जो सामने वाले ने प्रयोग किया था। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी समस्या किसी और भी प्रकार से निवारण हो सकता हो, किसी और ही प्रकार से हल हो जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। गोरबाचोव को सत्ता से संन्यास क्यों लेना पड़ा? कार्य में मन न लगने के कारण, पत्नी से झगड़ा होने के कारण, लोकप्रियता कम होने के कारण, या बीमार रहने के कारण? तो गोरबाचोव को अपनी सत्ता से इसलिए लेना पड़ा, सत्ता से संन्यास लेना पड़ा क्योंकि उनकी लोकप्रियता क्या हो रही थी? धीरे धीरे कम होने लगी थी, लोकप्रियता कम होने के कारण। अगला है, शक्तिशाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शक्तिशाली, देखिए शक्तिशाली एक होता है, पूरा शब्द है, शक्तिशाली में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या है, शक्तिशाल हो सकता है, शक्ति और शाली, क्योंकि ली में अगर ल हटा देंगे तो शक्तिशाल कोई शब्द नहीं होता, शक्तिशा कर देंगे तो ली कोई प्रत्यय नहीं हो सकता, तो ई भी नहीं है, ली भी नहीं है। अब शाल अगर बता देते हैं तो ये ई कहाँ पे जाएगा? शक्ति नहीं, तो क्या हो गया हमारा प्रत्यय? शाली। क्या हो गया? शाली। शक्तिशाली शब्द में शाली हमारा प्रत्यय है। ठीक है, अगला देखिए, संन्यास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सन प्लस न्यास, संन्यास। तो सम प्लस न्यास आपका हो गया संन्यास, सम प्लस न्यास ये हो गया आपका दूसरा संन्यास। निम्नलिखित के शब्दों के लिंग सामने लिखिए। संन्यास पुल्लिंग है, लोकप्रियता यानी कि क्या है, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? लिंग सामने लिखना है आपको। संन्यास पुल्लिंग है तो लोकप्रियता क्या है? लोकप्रियता स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है?
संन्यास लेना शब्द है संन्यास, जो कि पुल्लिंग है। ऐसे ही लोकप्रियता, उस व्यक्ति की लोकप्रियता यानी कि स्त्रीलिंग। वैसे भी आपको ये मैं एक छोटी सी आपको एक ट्रिक देती हूँ, अधिकतर शब्द में जहां पे बड़ी की मात्रा आती है पीछे, वो अधिकतर शब्द आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी लड़की का नाम ले लीजिए, जैसे शालिनी, पूजा, अर्चना, ठीक है, अंजू, मंजू, तो बड़े बड़े ऊ की, बड़े वर्णों की, मतलब बड़े जो स्वर होते हैं उसमें हम जो तो दूसरा स्वर होता है उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं उसमें दिखता है। ठीक है बेटे, तो ध्यान रखना है आपको, और इस प्रकार से अपने बहुत सारे आपको अनसीन पैसेज करने हैं। केवल ये दो तीन जो मैंने करवाए हैं ये मत करके रखना, आपके लिए बहुत सारे होंगे और मैं कोशिश करूंगी आपकी और भी लेते। चलो रिविजन करवाते वक्त हम लोग और भी करते चले जाएंगे, एग्जाम से पहले हम जितना भी होगा सारे रिवाइज करेंगे। तो सभी बच्चे आपटी गद्यांश को तो रिवाइज कर लें, और साथ में अपने अदर जो भी आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन शुरू कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।